हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शाही लज़्ज़त में बताने जा रहे हैं कलाकंद मिठाई, ठीक है। लेकिन मेरी तरीके से कलाकंद जो होती है बर्फ़ी, वो हम बना रहे हैं। इसके लिए मैंने ये 2.5 लीटर दूध ली हूँ, और 2.5 लीटर दूध को अब मैंने गर्म को रख दी हूँ। थोड़ा ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा, आधे से ज़्यादा, तो मैं इसमें विनेगर डालूँगी। और इसका मैंने छेना बनाना है, दूध को फाड़ देना है और इसका पनीर छेना बनाना है। हम क्या करेंगे, इसमें स्लोली स्लोली डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे विनेगर और 1 टेबलस्पून ही डालेंगे पहले, और इसको आहिस्ते से हिलाएंगे ऐसा, और ज़रूरत रहेंगी तो और हम डालेंगे। ये देखो, अब इसमें तो इंशाल्लाह रहमान ही फट ही जाएगा। जब ये 2.5 लीटर है इसलिए मुझे 1/3 स्पून भी डाल दो, 1 टेबल स्पून। जब तक उसका टेक्सचर वैसा नहीं आएगा हम जब तक डालेंगे। हाँ, अभी स्टार्ट हो चुका है, अब बॉईल होते होते ये फट जाएंगे। अब देखो हमारा दूध तो आराम से फट गया, और आप इसको देखो हल्का हल्का ग्रीन कलर आता है। जब हम सिरके से या लेमन जूस से इसको फाड़ते हैं तो ये हल्का हल्का एकदम लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। अब इसको तो हम इसमें ही थोड़ा पकने देंगे, और जब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे ये 2.5 लीटर दूध के लिए 1/3 कप मेरा ये मिल्क पाउडर है, वो मैंने ली हूँ। 1 कप भर के शुगर ली हूँ, 1 कप 2.5 लीटर के लिए। और मुझे चाहिएगा तो देखेंगे, क्योंकि तभी भी शुगर हमारे हिसाब से हमको डालना है। आपके घर में कितना मीठा खाते हैं, हमारे घर में कितना, वो सबके घरों में डिफरेंट रहता, इसलिए हमको हमारे हिसाब से डालना है। हमको नट्स जो भी हमको डालना है, मैंने बादाम बारीक काट के ली हूँ, काजू ली हूँ, पिस्ते ली हूँ, इलायची पाउडर ली हूँ, प्योर घी लगेगा मुझे। विनेगर से तो मेरा काम हो चुका है, क्या मैंने दूध को फाड़ चुकी हूँ। अभी आपको इसका बनाने का मैं तरीका इंशाल्लाह रहमान बताती हूँ। ये देखो, ये 5 से 7 मिनट्स बॉईल हो चुका है। अब हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे, ठीक है। पहले आधा निकाल देते, फिर इसके बाद पूरा ऐसा करके हम निकाल लेते हैं और आगे आपको बताते हैं। अभी हमने इसका सारा पानी निकाल दिया, लेकिन 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर इसका पानी रखें, ताकि ये थोड़ा इसके अंदर वो जो हम सिरका डालते हैं ना, उसका थोड़ा सा टेस्ट आना चाहिए। इसके लिए हमने थोड़ा पानी इसमें रखे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध का पाउडर, और इसको अच्छे से चला लेंगे। और इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी, ये हमारी मेजरमेंट की हुई चीनी है, मुझे इतनी चीनी लगेंगी 2.5 लीटर दूध में। तो कभी हमने इसमें शक्कर भी डाल दी तो शक्कर की भी चाशनी छूटेंगी। और हमको क्या करना है, ये जो थोड़ा अगर बड़े बड़े पीस है तो इसको ऐसा प्रेस कर करके फोड़ देना है, ताकि ये हमारी मिठाई एकदम बराबर हो जाए। हमको बहुत बड़े बड़े पीसेस इसके अंदर नहीं चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने इसमें घी यूज़ नहीं करे हैं, पहले थोड़ा इसका पानी हो जाए। अब देख रहे हैं कितना बारीक हो चुकी है, और बारीक हो जाएगा ये छेना। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आधे पिस्ते, आधे बादाम, सब चीज़ आधे से थोड़ी कम डालेंगे, क्योंकि डेकोरेशन में हमको ज़्यादा चाहिए। ये देखो, और इसको भी हम पकने देंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज़ मिलते रहेंगी। और वाकई में मेरा चैनल अच्छा है तो आप लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताइए। देखिए अभी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ड्राई फ्रूट कम है, तो मैं और थोड़ा डाल दूँगी, ठीक है। जितना इसमें ड्राई फ्रूट रहेंगे उतने अच्छा लगेंगे कलाकंद। अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून प्योर घी डालेंगे, ठीक है। 2 टेबलस्पून अभी डाले, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है हमको इसको। ये देखो, ये मेरा होममेड घी है। सब तरीका ऐसा ही, हमको आहिस्ते से सब चीज़ें इसमें मिक्स करते जाना है और पकाते जाना है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही इसमें घी की, मावे की। देखो 7 से 9 मिनट्स और हो गए, लेकिन अभी तक इसका पानी है। और मैं ख़ास ये मिठाई कलाकंद
मैं मेरी नवासी है शारिया, उसका बर्थडे के लिए मैं बना रही हूँ, उसको बहुत पसंद है तो मैं उसको सरप्राइज़ देने वाली हूँ बनाकर। अभी मैं इसको रख दूँगी ओवरनाइट ठंडा होने के लिए और फिर बाद में उसको बताऊँगी। अल्लाह मेरी बच्ची को उम्र दराज करे और ईमान की ज़िंदगी और ईमान पर खात्मा बिल करे, उसके नसीब में अच्छा करे। अल्लाह हर एक की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, उनके माँ बाप उनके सर पर सलामत रखें, नेक बनाए, नमाजी बनाए, हाजी बनाए। और माशाल्लाह मेरी नवासी 6 साल की उम्र में 5 बार उम्रा कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ास मैं इसीलिए सोची कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि उसको दुआएं मिल जाए, आप लोग भी उसको दुआएं दें और मेरी रेसिपी भी आपके साथ शेयर हो जाए और उसको एक सरप्राइज़ भी दे दूँ मैं कि उसकी नन्ना ने उसके लिए मिठाई बनाई। इधर मेरे पास इलायची थी, मैं अभी इस स्टेज पे मैं इलायची पाउडर डालूँगी, ठीक है? ये आपकी चॉइस है, ऑप्शनल है, आपको आपके इधर अगर पसंद करते तो डालना, नहीं पसंद करते तो नहीं डालना। या तो फिर आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, गुलाब वाटर भी डाल सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को कोई चीज़ की खुशबू पसंद है, किसी को कोई चीज़ की, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। कम से कम इसको अगर आप बनाते हैं तो 4 से 5 घंटे तो आपको रखना ही है, 4 घंटे कम से कम, उसके बाद ही इसको कट करना है। 1-2 घंटे में ये बराबर जमेंगी नहीं। हाँ, अगर फ्रिज में रखते हैं आप तो 2 घंटे सही है। मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, मैं बाहर रखूँगी। अभी इस टेक्सचर पे हम गैस को 1 मिनट बाद ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसको सुखा देंगे ना, चाशनी को कड़क कर देंगे तो हमारी मिठाई सॉफ्ट नहीं रहेंगी, ठीक है? फिर वो हार्ड हो जाएंगी, इसलिए अब 1 मिनट में हम इसको ऑफ कर देंगे गैस को। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी थोड़ा पानी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको चला रखी हूँ गैस के ऊपर। तो 1 मिनट बाद मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ और आगे आपको बताती हूँ। मैंने गैस को ऑफ़ कर दी 1 मिनट बाद, कि मुझे मालूम था कि बराबर हो जाएगा। सबसे पहले थोड़ा ठंडा होने देंगे इसमें और ऐसा चलाते रहेंगे। अब बाज़ार में ख़रीदने जाओ, देखो कितनी महंगी मिलती है। हम घर में कोई भी चीज़ इजीली बना सकते हैं, सिर्फ उसका रेशो हमको सही होना चाहिए। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना, हो गया? अभी मैंने यहाँ पर एक टप लगा दूँगी थोड़ा वो ठंडा हुए तक। ये देखो हम उसको आराम से सारे इसको निकाल कर इसमें बिस्मिल्लाह। सब हम बराबर से लगा देंगे, ठीक है? अभी हमने इसको सारा निकाल कर इसमें बराबर से सेट कर दिया और इसको अच्छे से टैप करना है, कहीं भी इसके अंदर बबल नहीं हो। अब हम सबसे पहले इसको पिस्ते डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पिस्ते हम पूरे इसमें डाल देंगे। अब थोड़ी इसी में डालेंगे क्योंकि फिर इसको अंदर से टैप करेंगे तो अंदर चले जाएंगे। अब बादाम डाल देंगे हम, बाहर भी इतनी अच्छी कलाकंद मिलेंगी आपको। इतने सारे नट्स, काजू डाल दिए हमने और इसको अब क्या करना है, हल्के हल्के इससे दबा देना है, प्रेस करना है ऐसा। ये देखिए अभी जब इसको सेट होने के लिए टाइम है ना, तो इसमें सारी चीज़ों को ऐसा दबा देना है। मैं आपको इसको ओवरनाइट रखने के बाद कट करके आपको इसके पीसेस बता। देखो मैंने ओवरनाइट रखी थी, मेरी मिठाई कलाकंद एकदम आराम से जम चुकी है। अब मैं इसको आपको कट करके बता दूँ। अभी आपकी ये चॉइस है कि आपको कैसे पीसेस बनाना है, ठीक है? एकदम मगर इसको आराम से काटना है। ऐसे सारे पीसेस हम बनाएंगे। ये देखो कितने अच्छे पीसेस निकल रहे हैं, आप देखें। ये देखो इसे आप लोग भी ऐसे ही बनाना और मुझे बताना। अल्लाह हाफिज़।